सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ हिबा खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर रुपीरा बाबर। और हिबा, हमारे जो दिन की शुरुआत है ना, वो होती है हमेशा एक खूबसूरत ही स्माइल से। और स्माइल करने के एक तो हिबा बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो पीछे जिन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, वो तो मैं समझ रही हूँ कि आप कहेंगे कि ये मसल वो मसल नहीं, लेकिन एक खूबसूरत स्माइल के पीछे जो है डेंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग इतनी अपनी स्माइल पर, अपनी डेंटल हाइजीन पर इतने अच्छे से इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, ना तवज्जो दे पाते हैं। और इसीलिए आज वर्ल्ड डेंटिस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज हमारे इस टॉपिक पर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, और इसी के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और वही वाली बात है ना अपीरा, कि इफ़ यू आर सैड तभी तो आपकी मसल स्ट्रेच हो रही होती है, सो व्हाई नॉट जस्ट स्माइल एंड यू नो यू बी हैप्पी। लेकिन वही बात आ जाती है, जब डेंटिस्ट्री की बात आती है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे डेंटल सर्जन हैं, एंड यू नो वी आर वेरी मच फेमस इन दैट। लेकिन ठीक है, जब बात आ जाती है डेंटिस्ट्री की, थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट? क्योंकि उसमें आपकी कॉस्मेटिक भी आ जाती है, ऑब्वियसली इट्स लाइक योर आउटर लुक एंड एवरीथिंग। लेकिन जो आज के हमारे गेस्ट हैं, वो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लैरिफाई भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी हैं इस बारे में, और हर जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, चलिए आपको उनसे पहले मिलवाते हैं। हमारी जो पहली गेस्ट हैं, शी इज़ डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल वर्कर हैं, ट्रेंड हेल्थ एडवोकेट, मीडिया पर्सन होने के साथ साथ एक बेहतरीन डेंटल सर्जन भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। Bilkul, and then we have Dr. Hira Nayab, who's a dental surgeon and she's the CEO of Dental Factory. Assalamu alaikum, welcome to the show. Wa alaikum assalam. Aur isi ke sath ab hum apni gapshap dobara se shuru karte hain. Balki Dr. Saleema, sabse pehle main aapse puchna chahungi ki aaj ke din ko basically kyun dentist day ke taur par manaya jata hai aur iski importance kya hai? अच्छा, पर्टिकुलरली आई थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट चैनल हु इज़ एक्चुअली कम अप विद दिस आइडिया, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, वेरी यूनिक आइडिया। सो इट्स एक्चुअली अ नेशनल डेंटिस्ट डे। अब होता क्या है कि हम सेलिब्रेट करते हैं ओरल हेल्थ डे, टोबैको डे, ये डे, ओरल कैंसर डे, बट वेरी लेस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द नेशनल डेंटिस्ट डे। तो एवरी 6th of March को इंटरनेशनली ये डे मनाया जाता है, और पर्टिकुलरली मैं देख रही हूँ ग्लोबली इसका बहुत रुझान आ गया, पाकिस्तान में ऐसा ऐसा आ रहा है और अवेयरनेस लोगों में आ रही है। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट यू नो अप्रिशिएट, वी एक्चुअली अक्रेडिट ऑल द डेंटिस्ट हु आर वर्किंग सो हार्ड इन दिस कंट्री। तो यूजुअली बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से अपनी अप्रिसिएशन देते हैं डेंटिस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, कोई उनको कोई हैश टैग की तरह हैश टैग नेशनल डेंटिस्ट डे कर देता है सेलिब्रेट, अब मेरा आई हैव द बेस्ट डेंटिस्ट, ये सेलिब्रेट कर देता है। कोई मग टी शर्ट्स दे देता है, डिफरेंट सोवेनियर्स गिफ्ट कर देता है। और इसके साथ साथ एक ये तो है कि पेशेंट का लव है टूवर्ड्स डेंटिस्ट, बस बट एज अ पेशेंट आपका भी कुछ गोल होना चाहिए, कुछ आपका एम होना चाहिए, टू यू नो बी अ गुड पेशेंट, फुलफिल ऑल दोज अपॉइंटमेंट्स विच आर नीडेड। 6 monthly आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं, अपना चेकअप कराएं, फ्लॉसिंग करें, ब्रशिंग करें, अ लॉट मोर थिंग्स। सो इट्स अ डे वी टुगेदर टेक दिस ओथ हाउ वी कैन यू नो गो इन टू दिस फील्ड एज वेल, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल। So, अच्छा, जिस तरह आपने मुझे बताया ना, यू नो डॉक्टर सलीमा सर के इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं दी जाती, बट देन अगेन अगर हम बात करें डेंटिस्ट्री की, डेंटल प्रोसीजर्स की, कोई भी अगर छोटी से छोटी तकलीफ हो जाए ना दांत की, बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू डॉक्टर हिरा, व्हाई इज दैट, कि इतनी एक्सपेंसिव फील्ड है, इक्विपमेंट्स हैं या उसकी ट्रेनिंग है, व्हाट्स द कोर रीजन? इक्विपमेंट्स पे इसके कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे ही आप डेंटल ट्रीटमेंट अपना डिले करते जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब इनिशियल स्टार्ट हुआ है आपका कैविटी या कुछ भी प्रोसीजर, आप इनिशियली चेक करवा लेंगे तो वो इतना डिले नहीं करेंगे, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप जितना उसको डिले करते जाते हैं, वो उतना आपको जो है ना ट्रीटमेंट। मेरे वाला हाल हुआ ना, मैंने अपने इम्प्लांट को लटका दिया और फिर उसके बाद जो खर्चा है ना, थोड़ा छोटा सा मिनी हार्ट अटैक। हिबा ने सवाल वही वाला किया जो मेरे, मतलब कहते हैं ना, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, उसने सवाल भी वो किए जो उसको पता है, वो जिससे गुजर चुकी है। और सबसे बेहतरीन सवाल वो होता है जो अपने हाल पर गुजरे हुए इंसान बनाए। अच्छा डॉक्टर सलीमा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस बात का जिक्र किया कि पेशेंट्स भी सेलिब्रेट करते हैं, पेशेंट्स किस तरह से डेंटिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर उन्हें करना चाहिए? अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये कि बहुत सारी, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो पेशेंट्स को जब अवेयरनेस आती है कि दे हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ दियर ओरल हाइजीन एज वेल, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया है।
हालांकि देखें तो इसका सिस्टम एक बॉडी पे बड़ा इफेक्ट है, आपकी ब्रशिंग नहीं होगी, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपके मेदे में तेजाबियत होगी, आपको अल्सर्स होंगे, आपको छाले होंगे, आपके फेस पे एक्नीज होंगी, अ लॉट मोर, एंड यू विल बी ब्रीदिंग सो बैड, हैलिटोसिस जिसको कहते हैं. सो इन अ वे इट्स अ सीक्वली, ठीक है, स्लो एंड स्टेडिली यू एक्चुअली यू नो यू गेट दैट गेट देयर. और फिर होता क्या है कि फिर पेशेंट हमारे पास इतना लेट स्टेज पे आता है कि हमारे पास भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होती कि हम उनको ऐसा वाला ऑप्शन दें जिसमें इम्प्लांट्स हैं या ब्रिजेस हैं या इस तरह के हैं जिसमें बहुत एक्सपेंसिव या मनी रिक्वायर्ड है. दूसरी बात, पेशेंट्स को इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस डे में अगर वो हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं तो हम उनको ये बताते हैं, देखें आप अगर फ्लॉसिंग डेली करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, माउथ वॉशेज यूज़ करेंगे, इवन वार्निशेस लोगों को नहीं पता है, टैबलेट्स होती हैं कुछ जो पानी में डिप करके हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं फॉर द गुड यू नो ब्रीदिंग, लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स आर कमिंग हियर, तो लोगों को अवेयरनेस देते हैं हम. तो लोगों का ये काम है कि इस डे पे अपना तायुन करें, एक वादा करें कि यू नो दे विल बी अ गुड पेशेंट, दे विल बी यू नो कैरिंग अप विद देयर अपॉइंटमेंट्स वेल. डॉक्टर सलीमा, देयर इज वन थिंग आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट, ठीक है ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट, सुबह को और रात को सोने से पहले. मुझे ये बताएं कि नाश्ते से पहले ब्रशिंग करनी चाहिए या नाश्ते के बाद, क्योंकि वो कहते हैं इनेमल डैमेज होता है, इज इट ट्रू? अच्छा, सबसे बड़ी मिथ मैं कहूंगी आज हमें डीबंक करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम हर कोई ये कर रहा होता है कि नाश्ते से पहले करते हैं, बिकॉज व्हेन वी वेक अप वी थिंक दैट वी आर यू नो हैविंग दैट बैड ब्रीदिंग. तो सबसे पहली बात ये कि आप नाश्ते के बाद करेंगे ताकि आपका पूरा दिन जो है वो साफ रहे, यानी यू आर यू नो वेंटेड और आपका क्लीन माउथ हो. और फिर रात को सोने से पहले, तो आपकी पूरी नाइट जब वो ब्रीदिंग साफ होगी, आपको कोई बैक्टीरियाज नहीं आएंगे, कोई अमाइनो एसिड्स वहाँ क्रिएट नहीं हो रहे होंगे जो एक बैड स्मेल क्रिएट करते हैं आपके मुंह के अंदर, तो वो पूरी रात आपकी क्लीन हो गई, एंड देन मॉर्निंग में आपका पूरा डे हो गया. तो ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर ब्रेकफास्ट, सो दैट व्हेन यू हैव फूड एंड देन यू क्लीन अप, सो कोई वहाँ पे रिटेंशन नहीं है, इंफेक्शन नहीं है. वन मोर थिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको कोई टाइम देना चाहिए, जो गूगल आप करो तो वो कहता है एटलीस्ट 30 मिनट्स. नो, 1 मिनट इज रिकमेंडेड, लेकिन पीपल यूज टू डू 30 सेकेंड्स, बट 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इज ओके, 1 मिनट इज रियली ओके. How you do it? You put your brush like on the 45 angle and you just do it in a you know ek angle bana ke aur aap circular motion mein piche tak jate hain, then you rub it. अपर से शुरू करते हैं, देन लोवर पे जाते हैं ताकि वो जो भी अपर से हुआ है वो लोवर में भी साफ हो जाए, एंड लास्ट में आप टंग करते हैं. सो दीज आर दी स्टेप्स इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, व्हिच वी से बकल एंड लिंगुअल. ओके, नहीं बट वो जो टाइम होता है ना, वो कहते हैं नाश्ते के बाद हाफ एन आवर के गैप के बाद, इज इट ट्रू या वो भी एक मिथ है? राइट आफ्टर कर सकते हैं? यस, 30 ये आप कह रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली. मैं समझी कि आप टाइम पूछ रहे हैं कि ब्रशिंग का टाइमिंग. ओके, सो एक ये इसके पीछे एक पूरी वो है, साइंटिफिक नॉलेज है. होता ये कि वॉट एवर यू ईट, जैसे कैंडीज खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं, तो अपना बैक्टीरिया जो होता है ना, जो स्टेप्टो म्यूकस, जो स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस होते हैं आपके, एक्चुअली वो आपके मुंह के अंदर होते हैं, वो 30 मिनट्स बाद एक्टिव होते हैं. तो 30 मिनट्स बाद एक्टिव जब होते हैं, तब आपने उसको रब कर दिया, तो यू विल बी यू नो गेट द एडवांटेज. लेकिन अगर फॉरन कर लिया तो उतना नहीं पड़ेगा, कुछ तो मिलेगा. ऐसा नहीं कि हम कहें तो पूरी ऑडियंस कहे कि नहीं फिर हम क्यों करें. तो डेफिनेटली करें अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑफ कोर्स, बट यस, आफ्टर 30 मिनट्स आप माउथ वॉश कर लें, अगर आपके पास उस वक्त ब्रश नहीं है. यू कैन कीप योर माउथ वॉश विद यू. लेकिन ये बड़ी एक तो आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज तो दे दी है, लेकिन मुझे तो आपने मुसीबत में डाल दिया कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं आधा घंटे से पहले नाश्ता करूंगी, उसके बाद आधा घंटा वेट करूंगी, फिर दांत ब्रश करूंगी, फिर कुछ और होगा. एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ वी गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सैनिटाइजर, वी शुड गिव दैट इंपॉर्टेंस टू आवर माउथ वॉशेस, माउथ वॉशेस एज़ वेल. सो इट्स अ अवेयरनेस डे एज़ वेल. और इतने मजे के क्यूट, अब तो वो हैंडी माउथ वॉश आ जाते हैं, यू कैन कीप इट इन योर बैग. एग्जैक्टली. अच्छा डॉक्टर हीरा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लोग अभी तो बात कर रहे हैं बड़ों की, लेकिन आप बच्चों के बारे में बताएं कि बच्चों को किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे देखते हैं पेरेंट्स को, घर में किसी को भी, तो चाहे 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको ब्रश पकड़ना आ गया एंड ही विल स्टार्ट डूइंग दिस. तो आपको क्या कहना है इस बारे में, बच्चों को क्या है कि 2 से 3 साल की उम्र में जब बच्चे आते हैं तो उनको ब्रशिंग की आपको आदत डाल देनी चाहिए. लेकिन 2-3 साल में जी छोटे टूथब्रशेस मिलते हैं, उनमें थोड़ी सी पेस्ट लगा के उनको आहिस्ता आहिस्ता आप आदत डाल देते हो. लेकिन जब बच्चा 8 साल का हो जाता है, उसके बाद फिर प्रॉपरली वो खुद करना शुरू. वो जो टूथपेस्ट है वो नॉर्मल जो हम अपने लिए यूज कर रहे होते हैं वही वाली यूज करें या जो स्पेशली बच्चों की स्पेशली होती है? और उसमें कौन सा एलिमेंट है जो नहीं होना चाहिए, लाइक फ्लोराइड, अमोनिया? फ्लोराइड होता है ज्यादा बच्चों की पेस्ट में, क्योंकि जब बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो वो मीठा खाते हैं, दांतों की सफाई का वैसे ख्याल नहीं रख सकते, तो उनको कैविटीज भी उस तरह से ज्यादा लगती हैं. तो फ्लोराइड का लेवल ज्यादा होता है ताकि कैविटी उसकी वजह से कम लगे.
अगर बहुत सारे पेरेंट्स बहुत एप्रीहेंड होते हैं कि यार हम इतना जल्दी कैसे शुरू कर दें ब्रशिंग करवाना, बच्चा अगर स्वॉलो कर लेगा तो सबसे स्टेजेस होते हैं. सबसे स्टार्ट में 6 मंथ्स के अंदर आप गौज लें, जो एक होता है रुई भी ले सकते हैं, गौज ले सकते हैं, उसको आपने डिप करना है गर्म वार्म वाटर के अंदर. ठीक है, बॉइल्ड होना चाहिए वाटर. एंड देन यू जस्ट यू नो थ्रश इट थ्रू योर थ्रू द बेबीज टंग. उसको बेबी की टंग पे थोड़ा ब्रश करें. उसके दांत तो आए भी नहीं होते उस टाइम तक, क्योंकि ऑफकोर्स 6 मंथ्स इज द राइट टाइम. तो उस टाइम पे आपने उसके गॉज से अच्छी तरह उसके सॉकेट्स एरियाज पे रिजेस पे क्लीन करना है. इससे क्या फायदा होगा, अब पेरेंट्स कहते हैं ये क्या है, मैंने तो अपनी बेटी का खुद किया था. अब मैं आपको बताती हूँ इसका फायदा क्या होता है. एक तो आपके बच्चे के जब दांत ग्रो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई कैलकुलस प्लाक नहीं होता प्रेजेंट. इवन माँ का दूध पीने के बाद बच्चों को बहुत थ्रश हो जाता है, सफेदी आ जाती है. पेशेंट्स हमारे पास फातिमा मेमोरियल में आते हैं, बिल्कुल वो आते हैं फातिमा मेमोरियल में हमारे पास, कंप्लेन करते हैं कि जी सफेदी हो गई बेटे को, बच्चे को. भाई आपकी गलती थी, आपने उस पर गौर से इसको क्लीन ही नहीं किया, सफाई नहीं रखी, तो सफेदी से भी बचेंगे, बैक्टीरिया प्लाक कैलकुलस से बचेंगे. तो गौर इज द राइट प्रैक्टिस, 6 मंथ्स के अंदर स्टार्ट कर दें. जैसे बच्चा अडेप्टेबल हो गया है, दांत आ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा आप उंगली से अपनी उसको टूथपेस्ट थोड़ा सा डाल के, बच्चों के अंदर हम मटर दाने के अंदर यानी राइस का दाना होता है, बड़ों में हम मटर का दाना डालते हैं जितना एक साइज होता है, तो ये आइडियल होता है. बच्चों में आप सिर्फ चावल के दाने तक का पेस्ट लें, उसे अच्छी तरह अपनी उंगली के साथ रब करें और आराम आराम से उस एरिया से जाएं ताकि बच्चा अडेप्ट करे उस टेस्ट को. हाँ, जो बच्चों का पेस्ट है. एंड देन व्हेन ही कम्स टू 1 ईयर, मैंने अपनी बेटी को 1 ईयर में कम्प्लीटली ब्रशिंग पे ले आई थी मैं उसे बहुत. तो प्रॉपर वो खुद पकड़ती थी और मेरे साथ यूएसए मैं उसको रोल मॉडल करती थी. सो रोल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स. आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ करेगी साथ तो बच्चा करेगा साथ, या पापा करेंगे साथ तो बच्चा करेगा. सो इट्स अ रोल मॉडलिंग प्रोसेस. बच्चा देखेगा अच्छा मम्मा ऐसे कर रहे हैं, ओके सो आई हैव टू डू इट. आप इसके अंदर बच्चों के अंदर बिल्डिंग करते हैं. एंड समटाइम्स तो बच्चे इतना अच्छा कर रहे होते हैं, लाइक माय नीस एंड नेफ्यू, ही इज डूइंग मोर गुड देन मी. मैं मुझसे इतना अच्छा नहीं हो रहा होता जितना अच्छा वो सर्कुलर मोशन में कर रहे होते हैं. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है जी ब्रश के पीछे आपके पास टंग ब्रशर होता है. एग्जैक्टली, तो वो ब्रश को घुमाए तो वो टंग भी ब्रश हो जाएगी आपकी. अच्छा राइट. लेकिन अच्छा डॉक्टर सलीमा, वन मोर थिंग, जब आप बच्चों की टूथ ब्रशिंग और हाइजीन के बारे में बात कर रही है, पाकिस्तान में मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ बच्चों को उस तरह से डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट्स पे नहीं लेके जाते, रेगुलर चेकअप्स पे नहीं लेके जाते. और अगर मैं कॉन्ट्ररी में देखूं तो बाहर के मुल्कों में यू नो इवन माय कजिन्स देयर किड्स आर लाइक 4, 5, 3, उन लोगों के रेगुलरली एवरी 6 मंथ्स चेकअप्स हो रहे होते हैं. पाकिस्तान में ये ट्रेंड कम क्यों है? अच्छा, मजे की बात बताती हूँ आपको. मैं बड़ा अच्छा एक रिसर्च पढ़ी थी कुछ दिनों पहले और फिर मुझे यहाँ पर आना भी हुआ, तो इस चीज़ से मैं लिंक भी कर रही हूँ. 2015 में एक स्टैटिस्टिक्स एक सर्वे हुआ था और उसमें ये पता किया कि जो डेंटिस्ट हैं दे वर रैंक्ड एज द मोस्ट टॉप हाईएस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. सो आई थिंक दैट इज द रिकॉग्निशन नाउ वी आर गेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट्स अ पॉजिटिव साइन. अब क्यों लोग बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे बात की कि क्योंकि जब तक दर्द नहीं होती ना तब तक कोई आता नहीं है दरवाजे पे आपके. हमारे साथ ये होता है कि पेशेंट्स तभी आते हैं जब हमें लगता है कि जी अब बिल्कुल पेन जो है ना गुजर गया सर के ऊपर से. तो उनको ऐसा लगता है कि जी दिस इज सो नॉर्मल, दिस इज नथिंग टू यू नो गिव इंपॉर्टेंस टू दैट. सो अवेयरनेस सेशंस इंपॉर्टेंट है, कैंप्स होते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स के अंदर कुछ होते हैं अवेयरनेस सेशंस, उससे बच्चों तक और फिर इवेंचुअली बड़ों तक ये जाते हैं मैसेज. तो आई थिंक ये एक डेंटिस्ट की भी है कि डेंटिस्ट भी अक्सर मरतबा, देखिए मैं खुद भी डेंटिस्ट हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, यू जस्ट सेंड द पेशेंट. वेयर इज देयर पेशेंट एजुकेशन टाइम, काउंसलिंग, रेगुलरली पूछना अपने पेशेंट से. एग्जैक्टली, फॉलो अप रखना. आई कीप दिस प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 10-15 मिनट तक सिर्फ अपनी काउंसलिंग एंड एजुकेशन पर टाइम देती हूँ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसको नेक्स्ट चीज के लिए रेडी कर रहे हैं. सो इट इज योर ड्यूटी. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन जहां पर आपने हमें बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करती चलूं, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है मीरब जीशान की, क्योंकि आज डेंटल डे भी है. और उसके अलावा पाकिस्तान में डेंटल हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर ये इलाज मुफ्त या फिर बहुत कम कीमत पर किया जाता है. और बाहर से भी बहुत सारे ममालिक से लोग यहाँ पाकिस्तान में भी आते हैं. मेडिकल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है ऑन दैट स्केल. तो आइए चलिए मीरब जीशान की रिपोर्ट देखते हैं पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान. इंसान के चेहरे पे सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी मुस्कुराहट होती है, और अगर कभी इस मुस्कुराहट में खलल आ जाए कभी पैदाइशी तौर पर या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं.
और डेंटिस्ट जो हैं वो हमारी इस मुस्कुराहट का इलाज करते हैं, कभी वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, कभी वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, कभी वो प्रोस्थेटिक करते हैं। सो ये सब ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोग आज पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है, जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और ये ट्रीटमेंट्स बेसिकली हैं क्या। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास आ रही हैं वो जो ज़रूरी हैं बताने वाली पेशेंट्स को, वो है अवेयरनेस प्रोग्राम, जो पेशेंट्स के लिए बड़े ज़रूरी हैं टू प्रिवेंट द डिज़ीज़। इट इज़ ऑलवेज सेड द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट, सो वी शुड ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू एग्जामिन देयर टीथ ऑन द इनिशियल स्टेजेस। जो हम प्राइसेस यहाँ से पेशेंट की चार्ज कर रहे हैं वो 1986 के मुताबिक, जो 86 में हम चार्ज कर रहे थे वही हम स्टिल वही अभी तक गवर्नमेंट जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। से हम 20 रुपीज़ में दान निकाल देते हैं, जबकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम 500 आता है पर डिस्पोजेबल चीज़ें हम इस्तेमाल करें। सो आई थिंक दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी विच इज़ गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टू द इंस्टीट्यूशन एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट्स। कैट कैम से आजकल जो है अप्लाइंसेस बन रही हैं, आजकल क्राउन्स बन रहे हैं, जो कि पहले अगर 3 या 4 दिन लगते थे तो अब वो हार्डली 1-2 दिन के अंदर तैयार हो जाते, बल्कि 1-2 दिन भी नहीं, कुछ आवर्स में ही तैयार हो जाते हैं। मुझे जब भी कभी कोई दांतों का प्रॉब्लम हुआ है तो मैं सीधा इसी पंजाब डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में ही आता हूँ, क्योंकि यहाँ ये फैसिलिटीज है कि यहाँ कोई ख़र्चा नहीं है गरीब आदमी का, और काम भी बहुत अच्छा होता है, हर तरह का दांतों का मसला इधर हल होता है। पाकिस्तान को सैर सियाहत और खूबसूरती की वजह से तो जाना जाता ही है, लेकिन यहाँ पर बेशुमार मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से आकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। हमें मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम कम से कम कीमत में इलाज करवा सकें। जी बिल्कुल, जैसा मीरब जी शान ने भी हमें बताया है कि मेडिकल टूरिज्म को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है ऑन दिस स्केल, क्योंकि हिबा डेंटिस्ट्री जो है ये पूरी दुनिया में दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट हैव स्पॉन्सर्ड इट, और उनकी जो इंश्योरेंस है वो डेंटिस्ट्री में नहीं होती बिल्कुल। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर ऐसे खूबसूरत और बेहतरीन हस्पताल मौजूद है जहाँ पर ये इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, और अगर कुछ इनकी शायद कोई 1-2 प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि जिनमें आपकी कोई पेमेंट होती भी है, बट दैट इज जस्ट इन हंड्रेड्स, इट्स इन हंड्रेड्स, नॉट इवन इन थाउजेंड्स, इट्स जस्ट इन हंड्रेड्स। तो डेफिनेटली अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट डेंटिस्ट्री की तरफ जाएं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आप किसी और मुल्क से भी ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो आपको यहाँ पर यू आर मोर देन वेलकम, और आप आए। और सबसे बड़ी बात ये कि नॉट एवरी वन हैज द अफोर्डेबिलिटी कि वो अपनी उस तरह से यू नो डेंटल चेकअप्स के लिए जा सकें या प्रोसीजर्स के गो थ्रू हो सकें, बट दिस इज ग्रेट। एंड अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क से डिफरेंट जगहों से लोग पाकिस्तान आते हैं एंड दे गेट देयर प्रोसीजर्स डन, इट्स अ फैक्ट। आई मीन आपके जितने रिलेटिव्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, आप देखो वो हमेशा यहाँ से आके करते हैं, बिकॉज अगेन वी आर दैट गुड इन इट। तो अगर हम जहाँ पे डेंटिस्ट्री की बात करें, ओरल हाइजीन की बात करें, डॉक्टर हीरा, आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क यू, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक टूथब्रश? एक आ जाता है मैनुअल, एक इलेक्ट्रिक। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक टूथब्रश की इतनी अवेयरनेस नहीं है, आप बताएं कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा बेहतर है वैसे तो मैनुअल से, बट वो यूज़ करते हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग या जो बच्चे हैं उनके लिए। मैनुअल में ये है कि आप मैनुअल से जैसे आप यूज़ कर सकते हैं तो आप उससे प्रॉपर ब्रशिंग करें तो वो भी अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिक से ये कि उन सर्फेसिस भी क्लीन होती हैं जहाँ पे आपका टूथब्रश आप अच्छे से नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगेन क्योंकि वही प्रेशर सेंसर सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्टर सलीमा, आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट? अच्छा, मैनुअल तो आई थिंक हर कोई करता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल डेक्सटेरिटी यूज होती है, आपकी एक अच्छी है मूवमेंट्स हैंड की जो चल रही होती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मैस्कुलर वीकनेस होती है, या जो पेशेंट्स डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए डेफिनेटली एपिलेप्टिक पेशेंट्स में पर्टिकुलरली हम रेकमेंड करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस कर सकते हैं। एक ब्रशेस होते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस,
वी हाईली रिकमेंड देम, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ऑर्थो का ट्रीटमेंट करवा के तारे लगवाते हैं, या बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारी पॉकेट्स में या हमारे दांतों के दरमियान इंसिडेंटली खाना फंस जाता है, फूड इंपैक्शन होती है, उनके लिए इंसिडेंटल ब्रशेस बेस्ट होते हैं एंड दे आर हाईली, क्योंकि वो बीच में इंसिडेंटल, सो हाउ दे वर्क, दे देयर ब्रिस्टल्स आर डेवलप्ड इन अ वे कि वो आपके दांतों के दरमियान सारे उन पॉकेट से ब्रश ऑफ करते हैं, उनके फाइबर्स बहुत फाइन होते होंगे, वैसे भी है ना स्लिम सॉफ्ट ही रेकमेंडेड होता है, जो आपके ब्रशेस की तीन टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट होती है, मीडियम होती है, हार्ड होती है, आपको सॉफ्ट ही करना चाहिए, ठीक है, और वही रेकमेंडेड ताकि हार्श ना हो, ताकि आपकी एब्रेशन ना हो ज्यादा, एट्रिशन बहुत पेशेंट्स की हो जाती है, घिस जाते हैं एनामल्स, वो यही वजह होती है हार्ड ब्रशिंग या हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग की वजह से। अच्छा एक और चीज होती है डॉक्टर सलीमा, दे आर राउंड हेड ब्रशेस एंड देन देयर ओवल, तो उनमें क्या डिफरेंस आ जाता है, कौन सा बेहतर है? अच्छा वैसे तो है ना हम तो राउंड में ज्यादा रिकमेंड कर रहे होते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आपकी वो रीच होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए आपके पार्ट्स तक, अगर यू आर डूइंग योर जॉब परफेक्टली देन यू मेक इट अ राउंड और ओवल, इट डजंट मैटर, जस्ट हैव दैट यू नो एंगल 45 का एंड जस्ट रीच टू दैट लेवल द एक्सेस, बस वो इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है, मतलब मुझे तो लग रहा था मैं सिर्फ फैशन के तौर पे गोल वाला ब्रश ले लेती हूं, इट इज नाइट, इट इज नाइट, ओवल सोचे ही नहीं कि ओवल लू ही है ये जो प्यारा लग रहा है जी, ये वाले ब्रांड का अच्छा लग रहा है ले लो, लोग करते हैं क्योंकि न्यू चीजें आती है, ब्रांड्स आते हैं, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड, और मार्केट भी इसीलिए बनाई जाती है ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो तो यूज करें, बट ऑफकोर्स आपका काम अगर कंप्लीट हो रहा है तो दैट्स That doesn't make a difference. Right. Okay. अच्छा लेकिन डॉक्टर सलीमा अगर हम oral hygiene की अगर बात करते हैं तो scaling और ये सब कितनी important है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि scaling करवाने से उनके दांत हिल जाते हैं या इस तरह की myths हैं, तो आपको क्या recommend करेंगे आप viewers को कि कितने time बाद scaling उनको करवा लेनी चाहिए ideally? अच्छा 6 months का हम उनको कह रहे होते हैं कि 6 monthly आप scaling कराएं, but patients compliance is really bad, particularly सिर्फ हमारे country में नहीं overall है, लोग बहुत ज़्यादा इसको stretch करते हैं, जब प्लाग कैलकुलस, जो आपका कैलकुलस बिल्कुल येलोइश पार्ट या ब्लैक प्लाग आ जाता है दांतों पे, तब उनको जब शोर होता है या स्टेनिंग होती है तब वो उठते हैं कि जी ओके अब राइट टाइम है कि करा लें, बट 6 monthly इज़ अ गुड हैबिट, जस्ट मेक श्योर आप ये चीज़ ना सोच के जाएं कि जी ये मेरे दांतों को और वीक कर देगा, आपके दांत वीक होंगे तो वो डेफिनेटली उसी वक्त ऑनसेट जब वो स्टार्ट करेंगे स्केल करना आपको उसी वक्त सेंसिटिविटी फील होगी, सो दैट्स द पॉइंट जहां आप स्टॉप करवा सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी है, देयर इज नथिंग टू डू विद दैट, स्केलिंग कराने से आपका ही फायदा है, आपके पॉकेट साफ होते हैं, आपके गम्स क्लीन होते हैं, आप समझ लें न्यू दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है, इट्स लाइक सच अ फ्रेश फीलिंग, जैसे हेयर कट आप करवाते हो, एग्जैक्टली, सो इट्स एंड द कॉन्फिडेंस यू हैव आफ्टर द स्केलिंग, अब तो मैं हर एक को हंस हंस के दिखाऊंगी, लुक एट माय टीथ स्माइल, इतनी आगे चली गई है कि स्केलिंग को अब लोग पीछे कर देते हैं, व्हाइटनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, अब तो होममेड अब होम बेस्ड भी व्हाइटनिंग कर सकते हैं, किड्स हैं एंड देन पीपल डू इट, अगर हम कॉस्मेटिक उसमें आ जाते हैं व्हाइटनिंग पे आ जाते हैं, एस्थेटिकली अगर हम अपने आप को सांस रखना चाह रहे हैं, देयर आर सो मेनी टूथपेस्ट जो कि व्हाइटनिंग एजेंट्स वाली हैं, ठीक है, इज इट सेफ? सो आई टेल यू देयर इज अ लिस्ट ऑफ टूथपेस्ट, एंटी प्लाग एंड कैलकुलस, एंटी सेंसिटिविटी, एंटी ब्लीडिंग, एंटी हेलिटोसिस, सो देयर आर एंटी व्हाइट मतलब व्हाइटनिंग, सो देयर आर सो प्लेंटी, इवन चारकोल पेस्ट आ रहे हैं ऐसे है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप, बट इन माई प्रैक्टिस आई डोंट रिकमेंड देम, आई जस्ट टेल देम कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इज सच अ सेफेस्ट प्रोसीजर, जो मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट अ ब्लीचिंग प्रोसीजर, सो वैन यू कम टू द टीथ व्हाइटनिंग इट हैज अ ब्लीचिंग इफेक्ट, सो आप बालों में ब्लीच कराएं या फेस पे ब्लीच कराएं, यू नो देर इज सम इफेक्ट, यू नो येस और नो, बट वहाँ है इफेक्ट एक, तो हम पेशेंट्स को पहले बता देते हैं कि व्हाइटनिंग कराएं अगर आपके ज्यादा क्राउन्स एरियाज नहीं है, क्योंकि क्राउन्स पे व्हाइटनिंग नहीं हो सकती है, हम उनको कहते हैं अगर बहुत सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर आप प्रेगनेंट है या कुछ भी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, स्वॉलोइंग की कोई हिस्ट्री है, एपिलेप्टिक है, तो नो येस, सो व्हाइटनिंग के थोड़े से डोमेन्स थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड है, बट येस पीपल गेट इट, but then now it's so trendy yes. और वो हर किसी को एक है कि मेरी स्माइल परफेक्ट हो yes. और कभी आपने ये देखा कभी ये वाले कुछ ऐसे पेस्ट भी हैं जिनको आप पहली बार में ही करो तो यू फील दैट ब्राइटनेस इन योर टीथ सच एब्रप्ट रिस्पांस रैपिड होता है लेकिन फिर उसका जो डिसएडवांटेज है वो भी बहुत ज्यादा होता है सो अच्छा एक और चीज मैं व्यूवर्स को बता दूं जो भी ये जो होते हैं ना मेडिकेटेड पेस्ट जो आप यूजुअली नहीं यूज कर रहे होते सिर्फ मेडिकेटेड होते हैं जैसे सेंसिटिविटी है तो आप कर लें ब्लीडिंग है तो कर लें प्लाक कैलकुलस है उनको 15 दिन से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए
है. दिस इज हाईली रिकमेंडेड थिंग. इसका रीजन ये है कि आपका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है. अगर आपकी सेंसिटिविटी आपने 15 दिनों से ज्यादा कर लिया तो उसने अडेप्ट कर लिया उस चीज को. अब वो होगा भी तो आपको महसूस होता रहेगा, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा आपका. सो पीपल डू इट इमेंसली, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड. अब कैसे करना है, 15 दिन आप मेडिकेटेड कर लें, उसके बाद आप अपना नॉर्मल पेस्ट इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन आप 15 दिन से ज्यादा ना करें. बेसिकली वो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट जो है उसको कंटिन्यू ना रखें इतने अरसे के लिए. नॉट फ्लोराइड, जस्ट दी मेडिकेटेड, लाइक जैसे एंटी ब्लीडिंग्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग रोकने के कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसमीन्स और इस तरह सबके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसिटिविटी को रोकने के लिए उनके कंपोनेंट्स होते हैं. तो वो हर पेस्ट जो मेडिकेटेड होता है, जो आपको कोई वजह से दिया जाता है कि आपका अब मसला है तो आप ये कर लें, उनको 15 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए. लेकिन बहुत अच्छी बातें हम कर रहे हैं इस वक्त, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल रही है. लेकिन डॉक्टर सलीमा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या समझती हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में बाकी जितनी भी मेडिकल फील्ड्स हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस हैं इस वक्त, लेकिन डेंटिस्ट्री स्टिल इज़ अ फील्ड जो रिवॉर्डिंग है, तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए जो डेंटिस्ट्री को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, और हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द कमिंग यूथ? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब लोगों का अवेयरनेस आ रहा है. पहले ऐसा होता था कि लोगों का जिनका MBBS में नहीं होता था उनको BDS में जी मिल जाता था एडमिशन. ये मैंने लाइन सुनी थी अपने टाइम पे भी, बट मैंने खुद भी इसीलिए अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए BDS के लिए, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड. सो पैशन होना बहुत जरूरी है ऑडियंस का. मतलब जो पैशनेट नहीं है आई थिंक वो अपनी करियर में इतना परसू नहीं कर सकता. अब मैं बताती हूँ कि सिर्फ डेंटिस्ट्री ये समझते हैं लोग कि जी सिर्फ दांत की सफाई है या जी फिलिंग है. नो, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. हम फिलिंग भी करते हैं विच इज ऑपरेटिव, हम डेंचर्स, क्राउन ब्रिजेस, इम्प्लांट्स भी करते हैं विच इज प्रोस्टो एंड इम्प्लांटोलॉजी. We do aesthetic as well, which is PRP, Botox, the fillers. The maxillofacialary, you can never even go without it. So, बहुत सारे लोगों की आईज के प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम न्यू आईज लगा देते हैं प्रोस्थेटिकली. तो जो मैं बता रही हूँ आपको, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट हो गई. इसके बाद फिलिंग्स बता दी आपको मैंने, स्केलिंग्स होती हैं हमारे पास, पेरियोडोंटोलॉजी एक डिपार्टमेंट है. अब इसके अंदर फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन है. सो वेन यू आर डन विद योर BDS, विच इज अ डेंटिस्ट्री, बहुत बूमिंग फील्ड है. ट्रस्ट मी, जिन्होंने ये बोला है कि नहीं ये बूमिंग कुछ नहीं रिवॉर्ड करती, आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन दियर हार्डवर्क. बिल्कुल, मैं बताती हूँ हर चीज के लिए हार्डवर्क जरूरी है. इतना जल्दी आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती, आपको बस आप उसके पीछे भागना पड़ता है. Exactly, और डॉक्टर तो इटसेल्फ एक फील्ड ऐसी है. और फिर स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा है, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, FCPS कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं. सो लॉट्स ऑफ मतलब सिर्फ उसी सूरत में है कि आप वाकई कुछ करना चाहते हैं. अगर इसकी कोई इम्पोर्टेंस ना होती तो क्यों सिर्फ एक ही फील्ड के लिए हम चार साल वो लगा देते और उसके अंदर आगे से कितनी सब फील्ड्स हैं, और अभी इतनी सारी सब फील्ड्स हैं जिनको हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया, तो हम उसको भी डिस्कवर करेंगे. लेकिन वही डॉक्टर हिरा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी भी जिस तरह स्कोप, ऑब्वियसली लाइक यू नो डॉक्टर सलीमा मेंशन, देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इट राइट, लेकिन अगर किसी ने इस फील्ड में आना है, हाउ वुड यू motivate them to just you know get in. जैसे इन्होंने भी बताया कि पैशन होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और ये है कि ये अच्छी फील्ड है, मतलब इसमें अगर आप दूसरों को भी एजुकेट करते हो और And you are a CEO, and you are a CEO as well. आपके साथ तो और भी बहुत सारे dentists काम करते होंगे, and you might, you know, you are heading that dental factory. तो आपको क्या लगता है कि आपके जितने भी you know students मैं कहूँगी, जो doctors आपके employees हैं, वो are they satisfied of their jobs and salary? क्योंकि normally अगर किसी doctor से पूछा जाए तो वो मुतमईन नहीं है अपनी salary से. क्योंकि अभी जब initially start करते ना तो salary उनको अच्छी pay नहीं करते, लेकिन जैसे आप अपना सेटअप बना लेते हैं ना तो फिर आप अच्छा उसे अर्न कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही, और अपना सेटअप तो आप वही डॉक्टर सलीमा तभी बना सकते हैं जब आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, जब आपके पास एबिलिटी है कि आप खुद से कोई पेशेंट कर सकते हैं या नहीं. और मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ये ऐसी डिग्री है ना कि आप जब बाहर भी जाते हैं ना, आपको सिर्फ एक लाइसेंस एग्जाम देना होता है टू प्रैक्टिस देयर, एंड यू कैन जस्ट यू नो वर्क देयर एज वेल. इतनी रेप्यूटेड प्रोफेशन है, व्हाई नॉट टू यू नो इनवाइट पीपल टू जॉइन हैंड्स एंड यू नो बी अ कम्युनिटी ऑफ डेंटिस्ट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के लोग ये सर्च करें कि भाई बाहर क्या है, काउंसलिंग लोगों को चाहिए, हमारे पास प्लीज आए, हम बताएंगे उनको. एंड आई डू दैट एट माय इंस्टीट्यूट एज वेल. सो आई थिंक इट्स अ बूमिंग फील्ड, मस्ट गो इन टू दिस फील्ड एंड वेरी रेप्यूटेड फील्ड एज वेल. बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए होती है. बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव काउंसलिंग सेशंस एज वेल, वी हैव स्टूडेंट्स अफेयर्स डिपार्टमेंट वेयर वी डू ऑल ऑफ दिस.
ताकि जो बच्चे चाह रहे होते हैं कि बाहर जाके बेशक वो डेंटल हाइजीनिस्ट बने, डेंटल असिस्टेंट्स बने या डेंटिस्ट बने, जो भी, क्योंकि तीन फील्ड्स होती हैं वहाँ पे इंटरनेशनली आपके पास, आप डेंटिस्ट यहाँ से बनके वहाँ पे तीन चीज़ों में जा सकते हैं. सो हम उनको उस बारे में भी बताते हैं कि यूके में जाएंगे तो ओआरई देना है जी आपको, तो अगर आपने यूएस जाना है तो एनबीडी देना है, अगर आपने दुबई जाना है तो डीएच एग्जाम देना है. सो वी हैव लाइक प्लेंटी ऑफ फील्ड्स. आई थिंक इस पर तो हम बहुत मजे से बात करते हैं. और आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस हिसाब से ऑब्वियसली आप एग्जाम दे दोगे. बट डॉक्टर सलीमा, ओके, देयर इज वन थिंग अबाउट गम केयर. जब भी हम लोग अक्सर ये होता है ब्रशिंग कर रहे होते हैं तो हमारे गम्स ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. व्हाई इज दैट और उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? सो आई ऑलवेज थिंक दैट द गम हेल्थ इज मल्टीफैक्टोरियल. आपकी गम हेल्थ स्ट्रेस होगा तो ब्लीड करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो ब्लीड करेगा, हार्श ब्रशिंग होगी तो ब्लीड करेगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होंगे जिसमें आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, या मैं हमेशा कहती हूँ टोमेटो का इंटेक कम है, ऐसे वेजिटेबल्स जो आपकी हीलिंग कराते हैं, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरह हेल्प करते हैं, अगर वो आपकी डाइट में नहीं है तो दे कैन एक्चुअली लीड टू यू नो गम डिजीजेस. और उसमें फिर पेशेंट्स आपको वीकनिंग बताते हैं कि भी ब्लीडिंग हो रही है. और आहिस्ते आहिस्ते ये होता है कि दांत आपका जो है वहाँ पे मोबाइल हो जाता है क्योंकि उसकी अटैचमेंट लॉस हो जाती है. अच्छा, इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आर यू नो अटैचमेंट. तो इसके साथ गम्स जब दांत के साथ अटैच्ड होते हैं और बोन्स नीचे होती हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट्स होती हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, ये मिलके काम करते हैं दांत को पकड़ने का. तो एक एक करके आप उसका जो अटैचमेंट पॉइंट ही तोड़ है तो ऐसा से दांत तो हिलेगा ही. सही, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात आपने बताई. और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने हमें दे दी है ना, दैट्स लाइक व्यूवर्स इस टाइम बैठ कर ना ये पूरा घंटा तो वो छोड़ने के बाद वो जो कंसल्टेशन में होना था ना वो यहाँ पे आपके थ्रू सब मिल गया. सब कुछ हमने करवा दिया और इतनी महंगी कंसल्टेशन यहाँ पे फ्री हो गई. अच्छा, लेकिन डॉक्टर सलीमा, मैं एक चीज की इम्पोर्टेंस आपसे पूछना चाहूंगी. डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, हैं बहुत अच्छे भी हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू कंडक्ट और वो अपने पेशेंट को काउंसिल नहीं कर पाते हैं. एज यू आर अ मीडिया पर्सन एज वेल और आप काउंसिल बहुत अच्छा कर रही हैं, तो पीपल आर गेटिंग टू नो यू अबाउट दैट कि किस तरह से ये फील्ड बेहतर है या फिर हम किस तरह से अपना इलाज करवा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है. तो जितने यंगस्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें कितना सोशल मीडिया या मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए एक्टिव होना चाहिए ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट करें? ओके, सो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतना बोलना नहीं चाहते या डिस्कस नहीं करना चाहते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो हैव अ टीम ऑफ मार्केटिंग विच इज एक्चुअली डूइंग दैट टास्क फॉर यू और विथ यू. सो सबसे पहली चीज, आप रोजाना अपने पेज पे, बेशक आपका कोई भी पेज है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वॉट एवर यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप अपडेट करें कोई भी टॉपिक पे और वहां पे बच्चों को या व्यूअर्स को बताएं कि जी आज का ये टॉपिक है, दांत की सफाई कैसे करनी है. तो थ्रू मीडिया, नंबर टू, आप ये भी कर सकते हैं अपने क्लिनिक के अंदर, इवन अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप एक मॉडल ले लें, उस पर आप डेमो कर लें. नंबर थ्री, आप कोई कभी भी कोई भी टाइम की वीडियोस हैं जो आपको डेमोंस्ट्रेशन की पड़ी हुई आपके पास, वो आप दिखाएं अपने इवन क्लिनिक्स में. यानी कि मैं ये करती हूँ कि जो मैं ट्रीटमेंट करने जा रही होती हूँ तो मैं उनको एक दफ़ा से डेमो करके दिखा देती हूँ और कभी कभार वीडियोस भी दिखाती हूँ अपने एलसीडी पे, बहुत ज्यादा पेशेंट को पता लगता है अच्छा व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. और ये कॉन्सेंट के बगैर ट्रीटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, पेशेंट को पता होना चाहिए भाई कि मैं क्यों करवा रहा हूँ और मेरे लिए क्या फायदा है इसके अंदर और मेरे पास कौन से ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट है जो मुझे चाहिए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक चैरिटी बिगेंस एट होम. अगर आप अपनी जगह से नहीं करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट घर जाकर क्या करेगा? बहुत अच्छी बात आप देखिए, क्योंकि वही बात आ जाती है, जो पेशेंट जा रहा होता है ना वो फुली ट्रस्ट कर रहा होता है अपने डॉक्टर पे, लाइक आप यू नो यू आर इन देयर हैंड्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर हिरा, एनी शॉर्ट एंड एंड नोट्स फॉर आवर व्यूअर्स? ओरल हाइजीन का अपना बहुत इसलिए भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोग समझते हैं कि हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करती है. यानी कि जैसे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन से आपके हार्ट को इफेक्ट, आपके अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकती है. तो अपनी ओरल हाइजीन, जैसे आप मेकअप करते हैं, आप अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं, इस तरह अपनी ओरल हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें. बहुत अच्छी बात की आपने. डॉक्टर सलीमा, आप कोई क्विक एंड शॉर्ट नोट देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? आई थिंक वी शुड ऑल सेलिब्रेट दिस यूनिक डे, नेशनल डेंटिस्ट डे, बाय गिविंग द हैशटैग ऑन आर वॉल्स और ऑन आर पेजेस, बाय जस्ट अटैचिंग द पिक्चर्स ऑफ आर डेंटिस्ट एंड गिविंग यू नो द अप्रिसिएशन टू देयर वर्क. Thank you. Thank you so much. Thank you, you know, to our medical teams and even ये जो पूरा एक जैसे कहते हैं ना डिपार्टमेंट जो है मेडिसिन का, हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी सोसाइटी के लिए. बिल्कुल, और स्पेशली डेंटिस्ट जो कि हमारी स्माइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर सलीमा और डॉक्टर हिरा को सलाम पेश करते हैं डेंटिस्ट होने पर और डेंटिस्ट डे पर आकर हमारे साथ इतनी अवेयरनेस क्रिएट करने पर. लेकिन अभी एक
टाइम हो गया है छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे और एक मजेदार टॉपिक, तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ. हम मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड.